हेलो स्टार्टअप पीडियंस, आज के स्टार्टअप जर्नी वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टार्टअप पीडिया का ये यूट्यूब चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है अनटोल्ड इंस्पायरिंग फाउंडर्स और उनके स्टार्टअप जर्नी के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करके हमारी रीच को और बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कितना मैटर करती है किसी स्टार्टअप के लिए या किसी एक कंपनी के लिए। अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल को आपको जाके मार्केटिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, नई नई स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केटिंग किसी कंपनी के लिए या किसी वेल नोन स्टार्टअप के लिए कई रीजन से इंपॉर्टेंट है। एज पर द कोट, मार्केटिंग इज अ हार्ट ऑफ योर बिजनेस। For your business to survive, the marketing should be healthier and it will reflect in your business also. Marketing ही हमारे business के future को decide करता है। अगर हम कोई groundbreaking, revolutionary product को sell करते हैं और अगर अपन ने उसकी marketing नहीं करी तो वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। और ये क्यों हुआ? बिकॉज अपन ने मार्केटिंग ही नहीं करी तो वो टारगेटेड कस्टमर तक नहीं पहुंच पाया और इसकी वजह से अपना बिजनेस डिक्लाइन करने लग जाएगा। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस को डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि आपको एज ए एंटरप्रेन्योर ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर वन, ब्रांड अवेयरनेस। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के माइंड में सेट करने का मौका देती है। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हुई तो आपका बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो कर सकता है। जो लोग बाग अगर कुछ खरीद रहे हैं और आपका प्रोडक्ट उससे मिलता जुलता है, तो अगर आपकी ब्रांड अच्छी है तो आपकी ब्रांड का नाम एक ना एक बार कस्टमर के माइंड में जरूर आएगा। एप्पल का ही अपन एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको या किसी को भी फोन खरीदना है तो एक ना एक बार उनके माइंड में एप्पल जरूर आता है, चाहे उनका बजट इतना हो या ना हो। और ऐसा क्यों हो रहा है? एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से। अगर एप्पल के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो करंटली 1 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स है आईफोन के। ये सब उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से हुआ है कि आज वो मार्केट में एक जाइंट बन के बैठे हुए हैं। पॉइंट नंबर टू, सेल्स बूस्ट। जब आप कस्टमर के माइंड में अपनी जगह बना लेते हैं तो आपका कस्टमर के साथ बिजनेस करने के चांसेस जस्ट डबल हो जाते हैं। अगर आपके कंपनी का नाम कस्टमर के माइंड में एक बार रह गया तो वो सिर्फ आपकी कंपनी का नाम याद नहीं रखेगा, बल्कि वो अपने सराउंडिंग्स वाले लोगों को भी आपके कंपनी के लिए प्रमोट करेगा। बेसिकली उनको बताएगा कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट कितने अच्छी क्वालिटी के हैं और लोग बाग इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं, बिना मार्केटिंग के लिए बिजनेस कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री, हैप्पी कस्टमर विल ब्रिंग मोर कस्टमर्स। अगर आपने अपने ब्रांड का कस्टमर के माइंड में एक बार सेट कर दिया तो वो और कस्टमर्स को भी लेके आएगा। बेसिकली आपको सभी कस्टमर्स को हैप्पी रखना है, इसकी वजह से आपको मार्केटिंग करने की नीड भी नहीं है यार। वो दूसरे कस्टमर्स को लेके आ रहा है, आपके कंपनी का बाय द वे प्रमोशन ही हो रहा है। और एक बार आपने अपनी कंपनी का सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर दिया तो आपको अपने कस्टमर को लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करना काफी आसान हो जाएगा और उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसकी वजह से आपकी कंपनी की काफी अच्छी ग्रोथ होगी और आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में ज्यादा पैसा ना खर्च करते हुए भी कंपनी की ग्रोथ दिखने लगेगी। पॉइंट नंबर फोर, एनहांसमेंट ऑफ कंपनी रेपुटेशन। आप कंपनी में जितनी भी सक्सेस गेन करेंगे वो सब ट्रस्ट, रिलायबिलिटी और आपकी रेपुटेशन की वजह से होगी। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू कस्टमर्स को आप पे ट्रस्ट होगा और इसी ट्रस्ट की वजह से आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी सेल्स के थ्रू, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के थ्रू, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के थ्रू और अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू आपका बिजनेस काफी अच्छे से ग्रोथ करेगा और ये एक फैक्ट है। पॉइंट नंबर फाइव, मार्केटिंग लीड्स टू इफेक्टिव रनिंग ऑफ बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस को मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करोगे तो आप बेसिकली टारगेटेड कस्टमर तक पहुंच पाओगे, जिसकी वजह से आपकी सेल्स काफी ग्रो हो जाएगी। इफेक्टिव मार्केटिंग से आप अपने टारगेटेड कस्टमर के साथ कनेक्ट कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका इफेक्टिव बिजनेस ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर सिक्स, डिफरेंशिएशन फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। मार्केटिंग के थ्रू आप अपने कॉम्पिटिशन से भी स्टैंड आउट कर सकते हैं। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपके कॉम्पिटिटर से अलग है, यूनिक है, तो आपका जो ब्रांड बिल्ट होगा कस्टमर्स के माइंड में वो काफी यूनिक होगा और बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा सेल्स के लिए, क्योंकि आप एज ए यूनिक कंपनी बनोगे कस्टमर के माइंड में। पॉइंट नंबर सेवन, लॉन्जेविटी ऑफ कंपनी।
एक अच्छी कंपनी अपने कस्टमर्स को बिलीव दिलाती है कि उसका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक लास्ट करेगा। जितना ध्यान आप अपने बिजनेस में ऑपरेशंस में देंगे, लाइक मार्केटिंग में देंगे या वेबसाइट के थ्रू कहीं और देंगे, उतना वो उसको प्रूव करेगा कि आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक लास्ट करेगा। पॉइंट नंबर 8, कन्वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्ट इनटू योर लॉयल कस्टमर। एक अच्छी कंपनी अपने लॉयल कस्टमर्स का काफी ध्यान रखती है। एक नए बिजनेस या स्टार्टअप के लिए आपको मार्केटिंग करने में काफी मुश्किल होगी, क्योंकि आपको एक बेस बिल्ड करना है, बेसिकली टारगेटेड ऑडियंस का बेस बिल्ड करना है। इसके लिए आपको शॉर्ट शिफ्ट नहीं करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पे काम करना चाहिए। लेकिन ब्रांड प्रमोशन के थ्रू आप अपना एक अच्छा प्रमोशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा। इस वजह से आपके जो प्रोस्पेक्ट होंगे वो लॉयल कस्टमर्स में बदल जाएंगे। पॉइंट नंबर 9, रिटेंशन ऑफ कस्टमर। एक बार आपका अच्छा ब्रांड या बिजनेस डेवलप हो गया और अच्छे से सेट हो गया, तो अपन मार्केटिंग का यूज करेंगे कस्टमर रिटेंशन के लिए, जो कि इन फ्यूचर आपके लॉयल कस्टमर्स बनके आपकी कंपनी को कंटिन्यू सेल्स के लिए बूस्ट देते रहेंगे। पॉइंट नंबर 10, मार्केटिंग इज अ होली ग्रेल फॉर योर बिजनेस टू बी सक्सेसफुल एज वी रीच द फाइनल पॉइंट। तो ये सम अप करना जरूरी है कि वो मार्केटिंग ही है जिसकी वजह से आपका बिजनेस या तो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है या शट डाउन भी हो सकता है। तो आपको मार्केटिंग को इग्नोर ना करते हुए इसको एक इंपॉर्टेंट बैकबोन मानना चाहिए और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। यही आपके कंपनी के फ्यूचर को दिखाता है कि वो जल्दी से बंद हो जाएगी या फिर बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी इन फ्यूचर। मैं आशा करता हूं कि जितने उत्साह से मैंने ये वीडियो बनाया उतने उत्साह से आपने इस वीडियो को देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। एंड आपकी कोई चॉइस है कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट फीडबैक है तो वो भी मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।